हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स, जिसमें हमने पहले टाइप का ऑपरेटर पढ़ चुका है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक दूसरे टाइप का ऑपरेटर, जो कि है रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेशन मतलब होता है संबंध। तो उस संबंध में हमें मालूम है कि हमारे छोटे भाई बहन रहते हैं, तो हम कैसे बताते हैं मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ये मुझसे छोटा है, ये मुझसे बड़ा है। तो सेम प्रोग्रामिंग में जब भी हमें दो ऑपरेंड को कंपेयर करना रहेगा या दो वैल्यूज को कंपेयर करना रहेगा, तो उन वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं पाइथन में, उसे क्या कहा जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू इक्वल टू, ये सब हमारे कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, चलिए अब हम इनका यूज करना सीखते हैं। यदि मैं लिखता हूं एक कोड इफ, ठीक है, इफ मैं लिख के बताता हूं, इफ 7 इज ग्रेटर देन 6, क्या बोल रहा है, यदि 7 6 से बड़ा है, यहाँ पे कॉलन आएगा। अभी हमने इफ एल्स लूप नहीं पढ़ रहे हैं, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से इफ एल्स लूप लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा इफ, क्या लिखा हुआ है, इफ 7 इज ग्रेटर देन 6, तो क्या करो, प्रिंट करो, क्या प्रिंट कर दो, इसमें लिख देते हैं अपन हेलो वर्ल्ड, HELLO WORLD, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं एक और कंडीशन, एल्स कोलन प्रिंट बाय वर्ल्ड WORLD, ठीक है, जाओ। अब देखो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले तो कि आता क्या है हमारा आउटपुट। तो क्या हमारा आउटपुट आया है, हेलो वर्ल्ड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं लाइन बाय लाइन। अब हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं, चाहे ग्रेटर देन लगाएं, चाहे लेस देन लगाएं, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू, चाहे लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू इक्वल टू, हमेशा इनकी वैल्यू या तो क्या आएगी, क्या आएगी, या तो ट्रू आएगी, या तो क्या आएगी, फॉल्स आएगी, क्या आएगी, या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। मतलब जब भी एक्सप्रेशन चलेंगे या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आती है। ठीक है, अब हम इनका यूज कैसे करते हैं, इनका यूज होता है कंडीशन लगाने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इफ और एल्स कंडीशन लगाई है, इसको बोला जाता है इफ एल्स लूप। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ 7 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, यदि, इफ का मतलब होता है यदि 6, 7 जो 6 से बड़ा हो जाए तो क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इफ एल्स लूप कैसा चलता है, यदि यह कंडीशन ट्रू होती है कि 7 6 से बड़ा हो जाए, तो उसके बाद वाली लाइन चलती है, और यदि यह कंडीशन, इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब यह जो कंडीशन आती है यह फॉल्स होती है, तो कौन सी कंडीशन चलती है, एल्स वाली। तो इस तरीके की कंडीशन लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्या किया, इफ 7 इज ग्रेटर देन 6, यदि 7 7 से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाए, हेलो वर्ल्ड। तो हमने एग्जीक्यूट किया, तो सच में इसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, ट्रू। कैसी आई है, ट्रू, क्योंकि हमें पता ही है कि 7 क्या है, 6 से बड़ा है। तो ये हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट। अब इन केस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम इफ कंडीशन लगाई है तो हमने क्या लिखा, 1 इज ग्रेटर देन 6, तो क्या लिख रहा है ये, क्या 1 6 से बड़ा है, नहीं है, तो ये कंडीशन कैसी हो गई हमारी, फॉल्स। चलिए अब इसको रन करके देखता हूँ, तो हमारे क्या आना चाहिए, बाय वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास क्या लिखा आ गया, बाय वर्ल्ड, क्योंकि यह कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली लाइन नहीं चली, कौन सी लाइन चली हमारी, एल्स वाली। ठीक है, हमारी एल्स कंडीशन चली और हमने क्या प्रिंट किया, बाय वर्ल्ड। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप के बाकी ऑपरेटर्स को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, जिसका काम क्या है, किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इसी में यदि हम यदि वेरिएबल भी लेते, तो यानी मैं लिखता a इक्वल टू 6 और यहां लिखता b इक्वल टू 7, क्या लिखा, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 7, और यहां लिख देता a इज ग्रेटर देन
बी, ठीक है, क्या लिखा मैंने, ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा है तो क्या करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, नहीं तो क्या करो, प्रिंट बाय वर्ल्ड, ठीक है। तो फिर से चला के देख लेते हैं क्या आ रहा हमारा रिजल्ट, बाय वर्ल्ड ही आ रहा है, क्योंकि ए में हमारा 6 है और बी में हमारा 7 है, लेकिन 6 क्या 7 से बड़ा है, नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और हमारा बाय वर्ल्ड लिखा गया। और यही मैं क्या कर दूं, यदि मैं 16 कर देता हूं ए को और अब रन करते हैं तो हमारा क्या लिखा जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, समझ में आया। जब भी हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना रहेगा और कंडीशन लगानी रहेगी उसके हिसाब से, तो हम क्या यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने लगाया है ए और बी को कंपेयर करने के लिए ग्रेटर देन और लेस देन, और लेस देन इक्वल टू किसी भी तरीके की हम कंडीशन या ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या है। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।